Hi guys, welcome and welcome back to my channel Richish Mehra Vlogs. और मैं बहुत अच्छे से हूँ. आई होप गाइज कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे. और आज है मंडे. मंडे को मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और इतना रेडी होकर व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ. मैंने सिर्फ अपनी चोटी बनाई है और लिपस्टिक, काजल और बिंदी लगाया है क्योंकि मैंने पहना हुआ है आज सूट. तो मुझे लगा कि थोड़ा सा रेडी होके मैं आज ब्लॉग स्टार्ट करूं. एंड मैंने फेस पे भी कुछ भी ज़्यादा नहीं लगाया हुआ है. आपको पता ही है कि मैं स्किन केयर कैसे करती हूँ. तो बस मैंने सनस्क्रीन लगाई है और उसके ऊपर लगा लिया है मैंने पॉन्स का पाउडर. जब भी मुझे मेकअप नहीं करना होता तो मैं पॉन्स का पाउडर लगा लेती हूँ. क्यों? पाउडर लगाने से भी फेस बहुत अच्छा सा हो जाता है, जो कि आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है मेरा फेस. पेट के आने से पहले भी मुझे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पूरा बर्तन खाली करके उस पर पानी डाल के मैं बेसिन पे रख देती हूँ. और जितने भी कपड़े धुलवाने रहते हैं तो वो सारे कपड़े भी मैं ऊपर छत पे, क्योंकि हमारे कपड़े छत पे धुलते हैं तो छत पे मैं उसे भिगा के आ जाती हूँ. और पोछा लगाने से पहले हम बांध देते हैं सोफी को कहीं पर, क्योंकि सोफी बहुत परेशान करती है. गाइस, ये होता है मेरा डेली का काम. सुबह उठने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें करनी होती है. तो ये सारी चीज़ें मेरी डन हो चुकी है, सिर्फ मुझे बिस्तर बनाना है. और इसलिए आज मैंने अपने लिए, खुद के लिए मैंने आज टाइम निकाला है. एंड गाइज, आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि रोज़ मैं ऐसे तैयार होकर व्लॉग बनाऊँ. आप लोग तो मुझे कमेंट ही नहीं करते हो, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट ही नहीं करते हो. मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, कितने लोग नहीं देखते, किनको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है देखना, किनको अच्छा नहीं लगता. अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग में थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए. प्लीज़ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए. अब मैं मिलाती हूँ आपको हमारी सोफी से, जिसको मैंने गैलरी पे बांध के रखा हुआ है, क्योंकि जब तक घर का काम नहीं हो जाता तब तक कि वो वैसे ही वहाँ पे बैठी रहेगी. तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सोफी कहाँ पर है. ये है हमारी सोफी जो कि यहाँ पर बैठी हुई है आराम से. सोफी, क्या हुआ, क्या हुआ? काम होते तक तो बैठे रहेगी ना यहाँ पर. अच्छा, देखो इधर. ओए सोफी, अच्छा मैं जाती हूँ तो फिर से देखने लग जाती है ना मेरे को, क्या हो गया. एक्चुअली गाइस, सोफी को बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. जब भी हम उसको थोड़ी देर के लिए भी बांध के रखते हैं वो गुस्सा हो जाती है ऐसे ही. लेकिन थोड़ा थोड़ा बांधने की भी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि उसको थोड़ी देर के लिए बांधना पड़ ही जाता है. जैसे घर पर कोई आ जाए या फिर और भी सिचुएशंस होती हैं तो उसको बांधने की भी आदत डालनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए. ना, मेरी मेड आ चुकी है और सोफी का नाटक करना चालू हो गया है. वो अंदर भी नहीं आने देती, बाहर भी नहीं जाने देती. मेड क्या करती है, गोदी में उठाती है और उसको इधर से उधर करते रहती है. हस्बैंड अभी थोड़े देर पहले ही जॉब पे गए हैं तो उन्हें आज सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया है, मीन्स ब्रेकफास्ट नहीं किया है. तो मैं जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. तो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि हमारे घर का आटा ख़त्म हो गया था. तो मैंने सोचा कि मैं पास के किराना स्टोर से लेके आ जाती हूँ. एक्चुअली क्या है कि हम सारा सामान डीमार्ट से लाते हैं या फिर हम एक साथ स्टॉक लेके आ जाते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे सामान के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता. और अगर लाना भी पड़ता है तो मेरे हस्बैंड लेके आते हैं. बट आटा ख़त्म हो गया था और मुझे रोटी बनानी है, तो मैंने सोचा कि पास में एक आध किलो का पैकेट मैं लेके आ जाऊंगी अगर मिलेगा तो. बट मैं पास के स्टोर पे गई थी तो वहाँ पे आटा नहीं था. तो थोड़े दूर और चल के मैं आगे गई थी तो वो वाला किराना स्टोर बंद हो चुका था. तो जब तक कि मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे तब तक ये रोटी नहीं बन सकती. वो आएँगे तो मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना दूँगी. आज दुर्गा का मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला है, आज धूप भी बहुत ज़्यादा निकली है. तो मैं पैदल चल के गई थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक, देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है. सब थोड़े दूर पास पे ही गई थी मैं, जैसे जाती हूँ मैं खाना बना लेती हूँ. सोफी को भी भूख लग जाती है क्योंकि सोफी का भी खाना बनाना होता है, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं जाती हूँ किचन पर और खाना बना लेती हूँ.